We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning. Blowing up a thunder. अभी हम हैं कराबी के किसी प्राइवेट होटल में और ये है प्राइवेट बीच. आप देख सकते हो यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं आपको बीच पर. सिर्फ हम ही हैं क्योंकि जो लोग होटल में स्टे कर रहे हैं वही यहाँ पर आते हैं. ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आ नहीं सकते. इट जस्ट आसपास कुछ भी नहीं है. अब बंदा स्पेशल कितने किलोमीटर चल के आ सकता है, ठीक है, कितने किलोमीटर तक आ सकता है. हम फुकेट से कराबी आए हैं 4 घंटे में इस होटल में. कराबी में तो पहुँच जाते हैं ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में, बट ये होटल एकदम भाई अलग बना हुआ है. शाम को बहुत भीड़ हो जाती है जब होटल के लोग आ जाते हैं ना बाहर. अभी तो कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमने सोचा फोटो शूट कर लेते हैं, मज़ा आएगा. जाओ 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 जाओ. तो हम परसों चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से. सोचा आज ओले भाई, मैंने सोच रखा था कि अगर हम पूल में या समुंदर में नहीं जा पाए ना फुकेट में, तो हम कराबी में पूरा टाइम वहीं स्पेंड करेंगे. क्योंकि यहाँ पर है ना आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई मार्केट है, ना कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम बाहर घूम सकें. इवन फुकेट में तो नाइट मार्केट, रेस्टोरेंट, क्लबिंग, नाइट लाइफ सब कुछ है. यहाँ पर सिर्फ पीसफुल है. Right here, wine and burning chemistry. You and me alone. गंदी लगी है. पता नहीं कैसे ही पत्थर था. अब इसको भाई घसीट के ले जाना है होटल में. नहाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं शार कहाँ मिलेगा. हाँ ये रहा शार. ये भूख बहुत लगी भाई. पिज्जा मंगाया सोनिया ने. अच्छा, वर्कआउट करते हो और पिज्जा खाते हो, फिर कार्डियो करते हो फिर पिज्जा खाते हो. अभी खा रही हूं, फिर जाऊंगी, फिर करूंगी, फिर खाऊंगी. कहां घर जाके? कब चल रहे हो घर? बू परसों चल रहे हैं हम घर. परसों जा रहे हैं. पूल में चलोगे? नहीं चल रहे. 5 दिन बाद हम पूल में जा रहे हैं. आज 5वां दिन है बुआ मेरा. चले क्या होता है ये, क्या होता है हमारे साथ जब भी हम एक ऐसे मोमेंट पे आना चाहते हैं जब सनसेट हो रहा हो. सनसेट तो चलो दिख गया हमें, बट दिक्कत क्या हुई कि हमें टाइम स्पेंड करना था और हम थे रूम में. हमने सोचा यार चलो 5 मिनट में आते हैं, ऐसे करते करते 15-20 मिनट होगी. और ये पूरा दिन बीच बीच पूरा दिन आज बीच पर थे, धूप में यहाँ पर लेटे हुए थे. पर जब सनसेट की बारी आई तो ये नहीं कम से कम आधा घंटा पहले आ जाए 1 घंटा पहले. नहीं, हम आ रहे 10 मिनट पहले. प्यारी फोटो इतनी सारी हो गई है वो हमारी. पर देखो सनसेट का क्या हिसाब है, समझ नहीं आता. देख रहे हो ऐसा व्यू दिखा रहे हैं अब आप लोगों को. हमने खुद नहीं देखा था कभी ऐसा व्यू भी होता. मतलब ये जो ये टीले बने हुए हैं ये सिर्फ कभी ऐसे देखा था जो वीडियोस होती थी या फोटोज होती थी. सोचते थे पता नहीं कहाँ ही होगी ये चीजें. सनक तो सन को घर जाने की कितनी जल्दी थी, 5 मिनट के अंदर एकदम नीचे.
तो मतलब अगर हमें सनसेट में एक घंटा बिताना है तो ओ 5 बजे हाँ मतलब जिस टाइम ऊपर गए ना उस टाइम हमें यहाँ बैठना था। ठीक है प्यारी वाली फोटो ये पीछे का हमारा हनीमून ट्रिप खत्म होने वाला है तो कोई बात नहीं मेरे को खाना बहुत याद आ रहा था। हाँ, हम जून में फिर से आएंगे पर कहीं और। हाँ। सेम जगह नहीं क्योंकि सेम जगह हम दुबई गए थे ना जब दूसरी बार तो हमें बिल्कुल भी इतना मज़ा नहीं आया मतलब जो पहली बार में आया था मज़ा और पहली बार में जो होटल था ना बेस्ट होटल मज़ा आ गया था आज तक का बेस्ट होटल है वो। पानी वो वेव देखो बड़ी आ रही है देखो ये बड़ी आ रही है और ये देखो बीच कहाँ पर आ गया है ये देखो सुबह है ना बीच यहाँ पर था। तो लाइक कर देना भाई वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया 1 सेकंड लगेगी 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जल्दी से करा दो यहाँ पर लाल कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को सोनिया को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रात हो चुकी है और भूख लग गई है यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना वो है इटालियन थाई पता नहीं क्या फ्रेंच रेस्टोरेंट समझ में नहीं आता एक तो ये जो होटल का रेस्टोरेंट है ना यहाँ पर इसका खाना तो समझ से बाहर है मेन्यू देखा कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर कल क्या किया हमने सर्च किया कि आसपास कोई रेस्टोरेंट हो तो रोड से जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर चल के उसके बाद आएगा बढ़िया रेस्टोरेंट तो वहाँ पर खाना भी बढ़िया था और समझ में भी आ रहा था। क्या रेटिंग देना चाहोगे तुम बू इस वाले ट्रिप को 10 में से कराबी को आज का दिन मिला के मैं दूंगी 10 में से 6 क्योंकि फुकेट में हमने कुछ कर ही नहीं पाया होटल में स्टार्टिंग में वो टाइम लगता है ना किसी भी जगह को समझने के लिए। अब स्टार्टिंग में ये देखो पहले दिन जब हमने चेक इन किया पूरा दिन गया हमारा RT-PCR की रिपोर्ट आने में क्वारंटाइन होना पड़ता है वो तो भाई पूरे थाईलैंड का ही रूल है इस वक्त। दूसरा दिन हमारा गया कि स्कूटी लेनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है बीच पे भी गए थे शाम को मैं अच्छा तुम्हारी शॉपिंग हो जाती तो फिर मैं ले लेती शाम पाँच यहाँ बैठ जाऊँ दे देता तो भाई एक बार रिफ्रेश करने के लिए बॉडी को मैंने मंगाया है कोकोनट वाटर सोनिया ने भी कोकोनट वाटर मंगाया है ये चम्मच देखो कैसे दे रहे हैं मलाई अच्छा देखो थाई टेस्ट है इसमें भी थाईलैंड का कोकोनट वाटर लग रहा है सोनिया को ना यहाँ का खाने में एक दिक्कत लगी है कि ये तो ना मीठा बनाते हैं थोड़ा खाना लाइक स्वीट ऐड कर देते हैं हर चीज़ में सॉस बोल ली है वो स्पाइसी बोल ली है बहुत मुश्किल होता है समझाना गूगल ट्रांसलेट से समझाओ पहले जब समझ में ना आए तो थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ उसकी नट स्वीट स्पाइसी। तो भाई खाना आ गया है चिकन ही चिकन है हर जगह चिकन चावल हाँ ये क्या दे दिए इन्होंने लकड़ी खाए गए अब